कोविड 19 के बीच फायर सीजन में वनों को आग से बचाने के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है, जिसके चलते वन विभाग ने खाका तैयार करके वनों को आग से बचाने के लिए योजना बनाई है। हमीरपुर वन वृत्त में हमीरपुर के अलावा कांगड़ा ऊना जिला का भी वन क्षेत्र आता है, जिसके लिए वन विभाग ने फायर वॉचर तैनात करने के साथ साथ ठीकरी पहरा के लिए भी काम करना शुरू कर दिया है। हमीरपुर में वन अरण्यपाल अनिल जोशी के अनुसार फायर सीजन में जंगलों को बचाने के लिए विभाग जुट गया है और कोविड-19 के बीच लोगों से जुड़ना मुश्किल बन रहा है, लेकिन फिर भी विभाग योजनाबद्ध तरीके से काम में लगा हुआ है। अनिल जोशी ने बताया कि फायर सीजन के दौरान आग से बचाव के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इस बार कंटेनमेंट जोन में फायर सीजन में स्टाफ की तैनाती की गई है। उन्होंने बताया कि हमीरपुर वन वृत्त में चीड़ के पौधे ज्यादा होने से एरिया ज्यादा ज्वलनशील जोन में आता है, जिस कारण आग पर काबू पाना मुश्किल होता है। उन्होंने बताया कि जंगलों में पेट्रोलिंग की जा रही है और व्हाट्सएप से दिन भर की सूचना अपडेट की जा रही है। हमीरपुर जो सर्कल है जिसको हम डील कर रहे हैं, इसमें तीन डिविजन्स आते हैं और ये तीन डिस्ट्रिक्ट को कवर कर रहा है। एक ऊना डिविजन है मेरा, जो ऊना डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट उसका पार्ट है। एक हमीरपुर डिविजन है, कंप्लीट हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट उसका पार्ट है। और एक देहरा डिविजन है जो कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का एक सेक्शन है, जो कि DFO देहरा उसको डील कर रहा है। फायर के कॉन्टेक्स्ट में सारा का सारा तमाम जो है हमारा जो भी फॉरेस्ट एरिया है तीनों डिविजन्स का, ये फायर सेंसिटिव है और लगभग 70% तक एरिया जो है इस हाईली फायर प्रूफ। और मेन जो मैं समझता हूँ पाइन नीडल्स डोमिनेटेड एरिया है ये, और अब पाइन नीडल्स जमीन में गिरती है, लास्ट टाइम की भी फाइल अप हुई होती है। और ये आग का एक इम्पॉर्टेंट, अगर मैं मान के चलूँ, लगने का एक कारण है, जिसकी वजह से आग ज़्यादा फैलती है। अगर थोड़ी सी भी इग्नाइट हो जाए तो इन लेयर्स की वजह से आग ज़्यादा फैलती है। जहाँ तक हमारे लिए जो चैलेंज है इस फायर सीजन के लिए, फायर वॉचर्स हमने सारी जगह प्लेस कर दिए हैं। एक पुराना एक सिस्टम चला है ठीकरी पहरे का, उसमें मतलब लोगों को इन्वॉल्व करने का एक मुहिम है। डिप्टी कमिश्नर महोदय से उसकी नोटिफिकेशंस हर बार उसके ऑर्डर्स किए जाते हैं। उसके तहत गांव के जो मेल लोग हैं, जो हट्टे कट्टे लोग हैं, उनके लिए इट्स मैंडेटरी कि वो आगे आए, आग में सहयोग करें, क्योंकि इसे इट्स नॉट ए इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट, इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ द कंट्री। लगता है कि लोगों का जो हमें सपोर्ट आना है, उसके माध्यम से हमने तमाम डिप्टी कमिश्नर महोदय से रिक्वेस्ट करी थी और हमें तुरंत जो है इसके ऊपर जो है डायरेक्शंस मिली है कि जो फॉरेस्ट्री एक्टिविटी है वी कैन गो अहेड विद इट। तो उस कॉन्टेक्स्ट में जो है वी आर जस्ट गोइंग, हम फील्ड्स में जो लोग इन्वॉल्व किए जाने उसको हम चिन्हित कर रहे हैं, जिनको एज ए फायर वॉचर्स के तौर पे इन्वॉल्व करना उनको चिन्हित कर रहे हैं, बिल्कुल इंस्ट्रक्शन देते हुए जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की स्टेट गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस है उसको मद्देनजर रखते हुए वो काम करेंगे। हमारा तमाम स्टाफ जो है वो इसमें पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। हमारे पेट्रोलिंग जो है वो की जा रही है, हर फॉरेस्ट गार्ड जो है शाम को रिपोर्ट कर रहा है। वो व्हाट्सएप ग्रुप हमने एस्टेब्लिश कर रखे हैं, उसे हमने एक ऑफिशियल रूप दिया है, हर रोज शाम को रिपोर्ट कर रहा है, चाहे आग से संबंधित सूचना है, चाहे हंटिंग से संबंधित सूचना है, चाहे इलिसिट फायरिंग से संबंधित सूचना है। सिस्टम इज रनिंग। गौरतलब है कि 15 अप्रैल से 15 जून तक फायर सीजन माना जाता है और हमीरपुर के तीन डिवीजनों में 70% एरिया ज्वलनशील माना जाता है, क्योंकि चीड़ के जंगल होने से आग ज्यादा लगती है, जिस कारण हर साल लाखों की वन संपदा जलकर राख हो जाती है। इसलिए इस बार वन विभाग ने समय रहते तैयारियां पूरी करते हुए फायर वॉचर तैनात करने के साथ साथ ठीकरी पहरा भी लगाया है।